कक्षा तीन विषय हिंदी। बच्चों, हम जानते हैं कि कई ऐसे पशु हैं जो हमारे काम आते हैं, जैसे गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, घोड़ा और ऊंट। अतः ये हमारे उपयोगी पशु कहलाते हैं। आज हम एक ऐसा अनोखा पशु के विषय में जानेंगे जिसका संबंध इस कहानी से है। यह कहानी है हीरा और सोनपरी। आओ हम हीरा और सोनपरी की कहानी पढ़ें। हीरा और सोनपरी। रात का समय था, चिड़ियाघर के सभी जानवर सो रहे थे, पर हीरा को नींद नहीं आ रही। हीरा 4 साल का ऊंट था। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता, उसे रेगिस्तान के सपने आने लगते। उसकी माँ ने उसे बताया था कि रेगिस्तान ही उसका घर है। माँ रोज उसे रेगिस्तान की रेत पर घूमते हुए ऊंटों की कहानियां सुनाती। हीरा का मन करता कि वह उड़कर वहां पहुंच जाए। एक दिन हीरा एकटक चांद को देखता हुआ बोला, चंदा मामा, आप रेगिस्तान को देख सकते हैं? तभी अचानक एक परी हीरा के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उड़न खटोला पर सवार चमकीले कपड़ों में चांद सी चमक रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, चलो हीरा, मैं तुम्हें रेगिस्तान में ले चलती हूँ। पर मैं कैसे? हीरा बोला, ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं हूँ सोनपरी। मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी ले जा सकती हूँ। अच्छा, हीरा बोला, हाँ चलो चले। हीरा सोनपरी के साथ उड़न खटोला में सवार हो गया। वे उड़ने लगे। वे नदियों, पहाड़ों और मैदानों के ऊपर उड़े। आखिर उड़ते उड़ते वे रेगिस्तान पहुंच ही गए। कुछ दूरी पर उन्हें ऊंट पर सवार लड़कियां दिखाई दीं। वे रंग बिरंगे लहंगे पहने गीत गा रही थी। ऊंट के गले में बंधी घंटियां बज रही थीं। हीरा के मन में आया कि कोई उसके गले में भी ऐसी घंटियां बांध दे। सोनपरी ने फिर उड़ान भरी और बोली, चलो अब हम हवेली चले। वे एक बड़ी हवेली की खिड़की पर जा पहुंचे। सामने ही एक लड़का घूम घूम कर अपनी ऊंटनी को नहला रहा था। ठंडा ठंडा पानी पैरों पर पड़ते ही ऊंटनी खुशी से उछल पड़ती थी। हीरा तो एकटक उन्हें देखता रहा। अचानक उसकी नजर ऊंटनी के चौड़े, मोटे और गद्देदार पंजों पर पड़ी। वह बोला, सोनपरी, हमारे पंजे इतने चौड़े, मोटे और गद्देदार क्यों होते हैं? प्यारे हीरा, फिसलती रेत में पैर टिका कर रख सको, इसलिए तुम्हारे पंजे ऐसे होते हैं। यह कहकर परी ने एक बार फिर उड़ने के लिए पंख फैलाए। वह बोली, चलो तुम्हें गांव का मेला दिखाऊं। झूले, बच्चे, दुकान और ना जाने क्या क्या मेले में था। सोनपरी उड़कर एक दुकान की छत पर बैठ गई। नीचे देखा तो एक लड़की अपने ऊंट के कुबड़ को रंग रही थी। हीरा ने सोचा, काश मेरी कुबड़ को भी कोई ऐसे रंगता। अचानक उसने एक और प्रश्न किया, सोनपरी, हमारी पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? अरे हीरा, कुबड़ में चर्बी इकट्ठी होती है, तुम इससे बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकते हो। फिर हीरा ने एक और प्रश्न किया, सोनपरी,
क्या हम ऊंट रेगिस्तान के लिए ही बने हैं? सोनपरी बोली, हाँ बने तो रेगिस्तान के लिए ही हो। फिर मैं और मेरी माँ चिड़ियाघर में बंद होकर क्यों रहते हैं? हीरा ने पूछा। सोनपरी ने मुड़कर एक नजर हीरा को देखा और धीरे से बोली, हूँ। हीरा समझ गया इस प्रश्न का उत्तर सोनपरी भी नहीं जानती है। सोनपरी तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानती थी। बच्चों, क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है? कहानी का सारांश। बच्चों, हीरा और सोनपरी कहानी में हमने पढ़ा कि हीरा 4 साल का ऊंट था। उसकी माँ उसे रेगिस्तान की रेत में घूमते हुए ऊंटों की कहानियां सुनाती थी। कहानी सुनकर हीरा का मन करता था कि वह भी उड़कर रेगिस्तान पहुंच जाए। एक दिन हीरा चांद को एकटक देखता हुआ बोला, चंदा मामा, आप रेगिस्तान को देख सकते हो? तभी अचानक एक परी हीरा के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उड़न खटोला पर सवार चमकीले कपड़ों में चांद सी लग रही थी। उसने कहा, चलो हीरा, मैं तुम्हें रेगिस्तान में ले चलती हूँ। इस पर हीरा ने कहा, पर मैं कैसे जाऊं? परी ने कहा, मैं सोन परी हूँ, मैं तुमको कभी भी कहीं भी ले जा सकती हूँ। सोन परी ने हीरा को उड़न खटोला में बैठने को कहा। दोनों नदियों, पहाड़ों और मैदानों के ऊपर उड़ते गए और उड़ते उड़ते रेगिस्तान पहुंच गए। वहां हीरा ने देखा कि रंग बिरंगे लहंगे पहने लड़कियां ऊंट पर सवार हैं। वे गीत गा रही थी और ऊंट के गले में बंधी घंटियां बज रही थी। हीरा को इच्छा भी कि कोई उसके भी गले में घंटी बांध दे। इसके बाद सोनपरी हीरा को हवेली ले गई। वहां हीरा ने देखा कि एक लड़का घूम घूम कर अपनी ऊंटनी नहला रहा था। ठंडा पानी पैरों पर पड़ते ही ऊंटनी खुशी से उछल पड़ी। ऊंटनी के गद्देदार पंजों को देखकर हीरा ने सोनपरी से पूछा, सोनपरी, हमारे पंजे इतने चौड़े, मोटे और गद्देदार क्यों होते हैं? सोनपरी ने बताया, फिसलती रेत में पैर टिककर रख सको, इसलिए तुम्हारे पैर ऐसे होते हैं। इसके बाद हीरा और सोनपुरी दोनों गांव का मेला देखने पहुंचे। दुकान की एक छत पर दोनों बैठ गए। छत के नीचे देखा, एक लड़की अपने ऊंट की कुबड़ को रंग रही थी। उसे देखकर हीरा को लगा कि कोई उसका कुबड़ भी रंग दे। हीरा ने सोनपरी से फिर पूछा, सोनपरी, हमारी पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? इस पर सोनपरी ने उत्तर दिया, कुबड़ में चर्बी इकट्ठी होती है, जिससे तुम बिना खाए बहुत दिनों तक रह सकते हो। यह कारण जानकर हीरा ने सोनपरी से पूछा, क्या हम रेगिस्तान के लिए ही बने हैं? इस पर सोनपरी ने कहा, हाँ बने तो रेगिस्तान के लिए ही हो। हीरा सोनपरी की बात सुनकर फिर पूछता है, फिर मैं और मेरी माँ चिड़ियाघर में बंद होकर क्यों रहते हैं? इसका उत्तर सोनपरी नहीं दी। बच्चों, अब तुम्हें ही इस प्रश्न का उत्तर सुनना है। बच्चों, इस कहानी से हमें एक अनोखा पशु के विषय में जानकारी मिली है। वह अनोखा पशु है ऊंट। अब हम इस कहानी में आए कठिन तथा नए शब्दों का शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ एक टक। एक टक का शब्दार्थ है
लगातार, लगातार अर्थात किसी चीज को देखना बिना पलक झपके। नंबर दो, उड़न खटोला, इसका शब्दार्थ है उड़ने वाला काल्पनिक यान, अर्थात इसे हम कोई कहानी या जादू में सुनते हैं। नंबर थ्री, रेगिस्तान, रेगिस्तान वह जगह है जहां रेत ही रेत रहता है। नंबर फोर, चिड़ियाघर, वह जगह जहां विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं जिसे देखने लोग आते हैं। फिफ्थ, हवेली, बहुत बड़ा घर। नंबर सिक्स, गद्देदार यानी मुलायम। नंबर सेवन, कुबड़, कुबड़ का शब्दार्थ है पीठ का उठा भाग। यदि तुम लोग ऊंट देखे हैं तो जरूर देखे होंगे कि ऊंट के पीठ का उठा भाग और वही कुबड़ कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब शेष पढ़ाई दूसरे दिन होगी। मैं तुम लोगों को ग्रीक कार्य दे रही हूँ। नंबर एक, शब्दार्थ पढ़कर कॉपी में लिखोगे। दूसरा ग्रीक कार्य है खानम, खाली जगह भरिए और अपनी किताब पढ़ेंगे और इस खाली जगह को भरेंगे।